कैसा तू इंसान है, और कौम को तुम अपना बुद्धू समझते हो। और ये तो कानून है कि वजीर आजम को अगर कोई बाहर से तोहफा मिलेगा उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। अखबार की बात कर रहा हूं, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था, कहा जी कि अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो मुल्की वकार मजरू होता है। कैसा तू इंसान है, और कौम को तुम अपना बुद्धू समझते हो। और ये तो कानून है कि वजीर आजम को अगर कोई बाहर से तोहफा मिलेगा उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। हमने किए और हमने डिक्लेयर किया और हमने बाकायदा लिख कर दिया। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछो जाके, हर दफा जब भी कहीं से कोई तोहफा आता था हम बाकायदा डिक्लेयर करते थे और लिख कर भेजते थे और डिपॉजिट करवाते थे। क्या तुम कौम को तुम समझते हो को पागल है? और फिर मैं तो कहता हूं कि एफआईए और नैब को इसी इमरान खान के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, और तुम चोर और बल्कि डाका डाला है तुमने, और ऊपर से चोरी और सीना जोरी कहते हो कि जनाब मुल्की वकार मजरू होता है। मुल्की वकार तो तुम मजरू कर रहे हो ये कह के कि जनाब हमने आपने डिक्लेयर नहीं किया, इससे मुल्की वकार मजरू होता है। इससे पहले भी एक ऐसा वाकया हो चुका है, आप जानते हैं भाई, ये बहुत बड़े चोर है, ये बहुत बड़े जो है वो ये वोट चोरी करके भी आए हैं, और पाकिस्तान के अंदर चोरी की बड़ी बड़ी इन्होंने मिसालें कायम कर दी हैं, इनके लोगों ने भी, किसी का अभी तक इंतजाम नहीं हुआ। कैसा तुम इंसान है, और कौम को तुम अपना बुद्धू समझते हो। ये तो कानून है कि वजीर आजम को अगर कोई बाहर से तोहफा मिलेगा उसको डिक्लेयर करना पड़ता है।